Hello guys, welcome back to my vlogging channel. I hope you all guys are absolutely fine in this lockdown scenario. Jin logon ne abhi tak subscribe nahi kiya is channel ko, please go and subscribe to my channel BongSB7 for more updates. And yes, ye video ko last tak zarur dekhiyega kyunki kuch zaruri baatein jo main feel karta hu maine share kiya hai coronavirus ko leke, to aap log zarur suniyega. Mera aaj ka ek urgent plan ban gaya jiski wajah se mujhe gaadi leke nikalna pada is lockdown mein. इनफैक्ट मेरे पास गाड़ी लेकर निकलने का फुल परमिशन पेपर सब कुछ अवेलेबल है. कुछ ऑफिशियल्स काम आ गए हैं मेरे को साइंस सिटी में जाने के लिए, तो मैं निकल पड़ा. एंड मैंने कार लेकर निकलने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट वन मंथ से गाड़ी स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुआ है. सो इससे गाड़ी के इंजन में इफेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ गाड़ी का बैटरी भी ख़राब हो जाता है. एंड ऑब्वियसली इन दिस सिचुएशन कार इज़ मच सेफेस्ट देन बाइक. सो सबसे पहले मैं गया पेट्रोल पम्प. वहाँ गाड़ी का हवा मैंने चेक करवाया बिकॉज रियर व्हील्स पूरे दबे हुए थे. जब मैंने चेक करवाया तो मुझे मालूम चला कि उसके टायर प्रेशर ओनली 10 है इंस्टेड ऑफ 34. तो फिर उसके बाद मैंने चारों टायर में एयर प्रेशर प्रॉपर मैंने भरवा दिया. एंड इसके बाद मैं निकल पड़ा वहाँ से. वो तालपुकुर पेट्रोल पम्प था जो टीटागढ़ एरिया में पड़ता है, बैरकपुर टीटागढ़ के बीच में पड़ता है. तो इसके बाद निकल पड़ा तो रास्ते में सबसे पहले मुझे कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को रोकना चाहा विद स्टिक्स इन देयर हैंड. आई डोंट नो वो लोग कौन है बिकॉज दे वर नॉट इन यूनिफॉर्म. आई एम नॉट श्योर वो लोग पुलिस थे या कौन थे. ये देखिए यहाँ पे इन लोगों ने मुझे स्टिक से हाथ दिखाया था, बट कोई मुझे यूनिफॉर्म वाला दिखाई नहीं तो मैं रुका नहीं वहाँ पर. बट हाँ, मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में अगर आपको कोई वैसे पुलिस वाला या कोई, क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान तो वैसे हाथ दिखाएगा नहीं, आई होप सो, वो भी दिन के माहौल में. और मुझे रुक जाना थोड़ा सही था या स्लो कर लेना सही था, बट मैं स्लो नहीं हुआ. वो मैंने रियलाइज़ कर लिया बाद में आगे जाने के बाद कि मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था या स्लो कर लेना चाहिए था, कि पूछना था कि क्या मैटर है. तो फिर इसके बाद मैं निकल पड़ा. मैं ये टीटागढ़ एरिया प्रेजेंटली चल रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत जन मार्केटिंग कर रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, बट हाँ साइकिल तक का सही है. यहाँ पे ये जो मार्केट वाला एरिया है, यहाँ पे देखिए एक रेलवे लाइन क्रॉस होता है, हालांकि इसका यूज़ होता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है. यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो एक मार्केट घुसता है सीधा डीटागढ़ स्टेशन की तरफ जाता है, इस वाले जगह में बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा. हालांकि ये जो कैमरा है गाड़ी के विंडशीट में फिक्स्ड है तो मैं कैमरा घुमा नहीं सकता था, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक ए डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस. आप लोग जो भी डीटागढ़ में के रहने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग अपने एरिया में सबको समझा सकते हैं रिगार्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग. इसमें हम सबकी भलाई है ऑब्वियसली. तो मैं यहाँ से निकलने लगा. फिर देखिए टीटागढ़ से क्रॉस कर रहा है, करते करते मुझे यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोस मुझे देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पे क्लीनिंग डिपार्टमेंट वाले, मतलब जितने भी है वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे क्लीन, ऐसे सिचुएशन में अपने लाइफ रिस्क में डाल के. यहाँ पे देखिए पुलिस वाले एकदम कड़क की धूप में खड़े हैं, चेकिंग कर रहे हैं. इस पूरे जर्नी में फ्रॉम बैरकपुर टू साइंस सिटी मुझे बहुत सारे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए दिखे, बहुत सारे पुलिस वाले चेकिंग करते हुए दिखे, बैरिकेडिंग करके. सच में सल्यूट है इन लोगों को जो अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे लिए कड़ी धूप में ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में ड्यूटी कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू देम स्पेशली. आपको ये वाला वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पीड में दिखेगा, बट एक्चुअली ये स्पीड में था नहीं. ये मैंने कम्प्लीटली बैरकपुर से लेके साइंस सिटी तक का एंटायर जर्नी मैंने कैमरा लगा दिया था, तो मैंने एंटायर जर्नी को कवर किया है. तो वो एंटायर जर्नी कुछ अराउंड 1 घंटे 15 मिनट का कुछ हुआ था, तो वो कम्प्लीट को वैसे दिखाना मुश्किल है. तो इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन सब चीज़ों को मैंने स्लो करके दिखाया, बाकी सबको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है. एंड एक्चुअली मैं ये वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि हाँ, हमारे इस लॉकडाउन वाले कंडीशन में लोग कितना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जा ही रहा था तो देखिए यहाँ पे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं. खैर, क्योंकि मैं वहाँ पे जा ही रहा था, मेरा अर्जेंट काम था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैमरा फिट कर दिया और मैंने पूरा रोड सिनेरियो को मैंने रिकॉर्ड किया. तो बस यही मेरा मकसद था एक्चुअली. तो राइट नाउ मैं अभी जोधपुर की तरफ निकल रहा हूँ, जोधपुर जब भी आने ही वाला है.
और ये यहाँ पे आ गया शोधपुर क्रॉसिंग। मैंने ये जगह इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा चाय की दुकान है, भगवती टी स्टॉल। वो दुकान में अगर आप लोग कभी विजिट करते हैं शोधपुर, आप लोग मेक श्योर कि वहाँ का चाय ज़रूर पीजिएगा। यहाँ का चाय बहुत टेस्टी है, क्योंकि यहाँ के चाय को पीने के लिए पहले कूपन लेना पड़ता है, उसके बाद चाय मिलता है मलाई मार के जो भी है। तो काफ़ी अच्छा चाय है, आप लोग अगर आते हैं तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। देखिए अभी अगरपड़ा का एरिया क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब आई मीन बस ट्रक, सब के सब खड़ी है यहाँ पे। कोई किसी को भी यहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिल रहा, मतलब कम्प्लीटली कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस जो है पूरा ठप है एकदम। पहुंच रहा हूँ पानीहाटी क्रॉसिंग, तो यहाँ पे पुलिस की चेकिंग फिर से चल रही थी। यहाँ पे देखिए एक स्कूटी वाले बंदे को वो पकड़ के उसका आइडेंटिटी कार्ड एंड निकलने का रीज़न एवरीथिंग वो वेरीफाई कर रहे थे। देन उसके बाद मैं निकल पड़ा यहाँ से। अभी जो मेरा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डनलप वाला एरिया आएगा, प्रोबेबली डनलप वाला ही एरिया आएगा। तो ठीक है, अभी ये डनलप वाला एरिया आ रहा है और मेरे को जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम राइट में जाए तो राइट में दक्षिणेश्वर मंदिर आता है, एंड वहाँ से हावड़ा के जितने भी स्टेशन है लाइक बाली से स्टार्ट होके जितने भी स्टेशन है वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मेरे को यहाँ जैसे कि यहाँ से मेरे को स्ट्रेट निकलना है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट निकल के सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट वाला एक स्टॉपेज आता है, देन उसके बाद सीधा दमदम की तरफ निकलता है गाड़ी। तो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये है, आज सुबह जब मैं आ रहा था तब मुझे ध्यान में आया कि कोलकाता का जो ताला ब्रिज है वो ब्रिज तो डिमोलिश कर दिया गया है, तो मुझे जाने का ऑप्शन क्या मिलेगा। तो उसका मुझे एक अल्टरनेट ऑप्शन मिला गूगल मैप के थ्रू, जो है लॉक गेट ब्रिज, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, जिसके बारे में मुझे आज ही पता चला। तो यहाँ पे खड़े होके मैंने पहले एक बार गूगल से मैं देख लिया कि वो जो रास्ता निकलेगा वो एग्जैक्टली कहाँ से निकलेगा। तो मैंने गूगल से देख लिया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि चलिए ठीक है, यहाँ से मुझे जहाँ पे मैं रुका था यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर पे वो वाला क्रॉसिंग पड़ता है, आई मीन जो लॉक गेट वाला ब्रिज है वहाँ पे पड़ता है। देन मुझे वहाँ से मुझे टर्निंग लेना पड़ेगा, एंड ये जो लॉक गेट वाला जो ब्रिज है ये एग्जैक्टली ताला ब्रिज जब शुरू होता है, शुरू होने के ठीक 300-400 मीटर पहले है, जिसके लिए हमको राइट में घूमना पड़ता है। और राइट में घूम के अगर हम श्याम अगर हम वो लॉक गेट पकड़ते हैं तो स्ट्रेट जाने से वो श्याम बाजार का रास्ता भी आ जाता है, बट हमको श्याम बाजार जाना नहीं है, लेकिन हम यहाँ से स्ट्रेट जाके लॉक गेट से होते हुए दोबारा हम लेफ्ट में आ जाएंगे। मतलब हम इसी रोड के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि बीच में ताला ब्रिज टूटा हुआ है, तो उसका हमने अल्टरनेट रूट, मतलब मान के चल सकते हैं एक लूप लाइन पकड़ लिया, लूप लाइन पकड़ के हमको वापस बीटी रोड में ही आना है। तो मैं यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए यही है वो जगह जहाँ मैं बता रहा था, एकदम स्ट्रेट देखेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो में शायद दिख रहा होगा, वहाँ पे क्रेन दिख रहा है आपको जो डिमोलिश का काम कर रहा है। तो ये है निकलने वाला रास्ता लॉक गेट के लिए। तो ये जो रेड वाली गाड़ी है मेरे पीछे थी, ये पीछे से कट मार के मेरे आगे आ गया, इट्स ओके। तो ये है लॉक गेट ब्रिज, मुझे पता नहीं इस गेट का नाम लॉक गेट ब्रिज क्यों रखा है। आई होप शायद ये जो बैरिकेडिंग किया है ब्लू एंड व्हाइट पेंट से, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप लोग किसी को पता है इस ब्रिज का नाम लॉक गेट क्यों है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड ये जो लॉक गेट ब्रिज है ये करीब करीब कुछ मुझे 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा लगा, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट है। ये जो मैंने लेफ्ट टर्न लेके मैं ये वाला रास्ता पकड़ा, मुझे पता नहीं ये जगह कौन सा है, इस एरिया का नाम क्या है,
लेकिन यहाँ पे एक मुझे खास चीज़ लगा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखिए पूरे रोड के ऊपर सर्कल सर्कल किए हुए हैं, और वो भी एक डिस्टेंस पे। याद है कुछ दिनों पहले टीवी पे आ रहा था कि 1-1 मीटर दूर खड़े होना है, तो शायद मुझे लग रहा है ये कोई मार्केट एरिया है, और इस एरिया में ये जो सर्कल्स बनाए गए उसी पर्पज़ के लिए बनाए गए। अगर हाँ, अगर आप कुछ राशन लेने आते हो, मार्केटिंग करने आते हो, तो आपको पर्टिकुलरली इस सर्कल्स में ही खड़े होना है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द कोलकाता कि हाँ, चलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें चालू हो गया है। और देखिए ये वाला जो जगह है, ये जो लेफ्ट में है, कैमरा तो मैं घुमा नहीं पाया, लेफ्ट में जो है ये तालाब ब्रिज पूरा डिमोलिश करके गया है। वहाँ पे करीब 4-5 क्रेन था बड़ा बड़ा, जहाँ पे सब डिमोलिश वाला काम चल रहा था। मेरे को वो कैप्चर नहीं कर पाया, दैट इज सॉरी, अगर मैं उसको अगले किसी वीडियो में कैप्चर कर दूंगा, अगर मुझे दोबारा जाने का मौका मिलता है तो, इन दैट केस। तो तब तक के लिए देखिए ये जो है ये कैनल साइड रोड है। यहाँ पे मुझे जब मैं यहाँ पे एक अंडर पास आता है सामने, अंडर पास से जब मैं क्रॉस करता हूँ तो मैं स्ट्रेट जाता हूँ, तो मुझे दिखता है कि जो स्ट्रेट वाला जो है वो लोहा दबा हुआ है। ये देखिए बाइक वाला साइड से क्रॉस करके गया, मुझे गाड़ी को बाय इस हिसाब से मुझे क्रॉस करना पड़ा ताकि मुझे गाड़ी में डैमेज ना हो। तो उसके बाद तो मैं यहाँ से निकल गया। बट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आई गेस हर किसी को। गाड़ी को स्पीड में ले जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था इस एरिया पर। ये जो रास्ता जा रहा है, अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो वो ईएम बाईपास का ये रोड आ जाएगा, अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो सॉल्ट लेक गेट आता है जिसके थ्रू हम सॉल्ट लेक में एंटर होते हैं। यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगा, सिग्नल रेड पड़ा था लेकिन फिर भी ये ट्रक निकल गया बिना कुछ परवाह करते हुए। हम सभी लोग खड़े हैं यहाँ पे, बट स्टिल ट्रक तो निकल ही गया अपने धुन में। खैर ये चीज़ काफ़ी गलत है, हमारे यहाँ पे हर एक सिग्नल के ऊपर स्पीड ट्रैकिंग कैमरा और कैमरा लगे हुए। कोई भी अगर सिग्नल वायलेशन करता है, कोई भी ट्रैफिक वायलेट करता है, तो उस कंडीशन में जो गाड़ी के नंबर का मालिक है उसके मोबाइल पे SMS चले जाता है विद फाइन, जिसको पे करना पड़ता है ऑनलाइन। देखिए अभी जो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है, ये मेट्रो का ब्रिज है जो न्यूली कमीशन हुआ है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, जो इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर टनल मेट्रो है, जिसका लास्ट स्टेशन हावड़ा मैदान रहेगा, और ये है बेंगाल केमिकल स्टेशन। तो मैं ये चीज़ को क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जो अंडर वाटर टनल मेट्रो वाला जो है हावड़ा तक, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब्स में हर कोई बता रहा है कि नहीं वो चालू हो गया, अंडर वाटर मेट्रो करके टैगिंग दे रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट। द करेक्ट न्यूज़ इज अभी तक चालू नहीं हुआ है, चालू होने का है। जब मैंने ये मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया तब यहाँ पे मुझे पुलिस वाले दिखे जो गाड़ी को रोक रहे थे, बट उन्होंने मेरी गाड़ी कुछ नहीं किया। मेरी गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी कागज़ चिपका हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने मेरी गाड़ी को नहीं रुका, हालांकि यहाँ पे सिग्नल पे रुका भी हुआ था। अगर वो मुझे हाथ दिखाए होते तो शायद वो मेरी गाड़ी तक आते, बट वो मेरी गाड़ी तक नहीं आए। सो उसके बाद सिग्नल खुल गया था, उसके बाद मैं निकल ही गया। ये बिल्डिंग मोड वाला एरिया है जो अभी क्रॉस हो रहा है, इसके बाद जो आएगा वो चिंगड़ी घाटा फ्लाईओवर आएगा, चिंगड़ी घाटा क्रॉसिंग, जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। जब स्ट्रेट जाएंगे तो हमको साइंस सिटी आ जाएगा, कोलकाता साउथ आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो वहाँ से हमको सॉल्ट लेक का एंट्री हो जाएगा, सॉल्ट लेक में जैसे निको पार्क हो गया, सेक्टर 5 हो गया, ये सब जगह हो गया। तो यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस करने के बाद देखिए यहाँ से जो लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो सॉल्ट लेक में एंटर कर जा रहा है, और स्ट्रेट जा रहा है वो कोलकाता साउथ की तरफ जा रहा है, बालीगंज की तरफ जा रहा है, पार्क सर्कस की तरफ जा रहा है एंड ऑल।
यहाँ पर जो है ये जो फ्लाईओवर चढ़ जा रहा है ये माँ फ्लाईओवर है जो सीधा जाके 7 पॉइंट क्रॉसिंग में उतरता है पार्क सर्कस में। और यहाँ पे दो बड़े बड़े होटल JW मैरियट और ITC सोनार। तो मैं यहाँ से क्रॉस करते हुए एकदम सामने की तरफ मैं जा रहा था। और ये आ गया वो जगह साइंस सिटी जिस पर्पस के लिए मैं घर से निकला था। आफ्टर अराउंड 1 घंटे 10 मिनट बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाला आया, एक बार पूछा मेरे से कौन है किस लिए आया, तो मैं उसको परमिशन पेपर दिखाया। तो सिक्योरिटी वाले ने दरवाज़ा यहाँ पे खोल दिया, तो मैं गाड़ी लेके चला गया अंदर। यहाँ पे ले जाने के बाद मैं रुका, उसको फिर से मैंने पूछा कि यहाँ पे मुझे ये कहाँ मिलेंगे, ये जो पर्सन जिससे मैं मिलने आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जाके अंदर जाके पूछ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कोरोना को लेकर मैं कुछ बोलूँगा, एंड वो ये है कि आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना लॉकडाउन जितना टाइम आप अपने फैमिली वालों को दे रहे हैं क्या वो पहले आपने कभी दिया है। इसे एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। जितनी सफाई से अब हर कोई रहने लग गया है क्या वो पहले कभी रहा था। इतने बार तो पहले कोई हाथ नहीं धोया करता था जितना कि अब धो रहे हैं हर कोई। जब लाइन में खड़े हो सब दूर दूर बिना किसी झगड़ा के, क्या आपने पहले कभी ये देखा था। पोल्यूशन लेवल नियर अबाउट ज़ीरो हो गया है, आसमान साफ हो गया है, गंगा का पानी भी साफ हो गया है। इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है भाई। हम सभी लोगों को सुधरने का एक फिर से मौका मिला है। हाँ, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी ख़राब हो रहा है, जॉब कट्स हो रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट पूरा हेल्प करेगा बाद में आने वाले टाइम पे। लेकिन हाँ, ये एक सुधरने का मौका ही है सबके लिए।